हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि सोकर उठकर शार लेकर सीधा कार में आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, अभी मेरा फेस आपको सोतड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 11 और हम जा रहे हैं बैंक, क्योंकि मेरी जो चेकबुक है और जो मेरा कार्ड है वो मुझसे खो गया है। वैसे वो मिल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट अभी तो खो गया है, तो वो कार्ड दोबारा से न्यू इशू कराना है, तो इसलिए जाना था बैंक। पहले बैंक का काम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे चांदनी चौक, क्योंकि जो मेरी वो लाइट्स थी स्टूडियो लाइट और वो सब अब तक नहीं मिली। करोल बाग में भी वो लाइट्स नहीं है जिनकी पिक्चर्स मैंने सेव करके रखी हैं। तो सब ने सजेस्ट किया कि तुम एक बार चांदनी चौक देख कर आओ। तो सबसे पहले हम बैंक जाकर अपना कार्ड इशू कराते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। और साहिल कल के ही कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, सबको आलस इतना आ रहा है, नए कपड़े ला ला कर रख रहे हैं, पहन नहीं रहे हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है बस पहन रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि अलग से जाएं अलमीरा में से कपड़े निकालें। कल यही उतारे थे, बेड के पास पड़े थे, उठा के दोबारा पहन लिए। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो गाइस, बैंक का काम जो था वो फिनिश हो गया है, अब हम जा रहे हैं सीधा चांदनी चौक। और हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कहाँ लाइट्स और वो सब मिलेगा, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। वैसे सदर, कोई सदर बोल रहा है, कोई चांदनी चौक बोल रहा है, गूगल पे हमने काफ़ी कुछ सर्च किया है। तो पहले हम चांदनी चौक ही जा रहे हैं, और उससे पहले मेरे मुँह में काफ़ी ड्राइनेस आ रही है। मुझे कुछ नहीं रहा है पर मुझे हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी आइसक्रीम, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आइसक्रीम की, तो देखो कोई आइसक्रीम वाला मिल जाए। जब मुझे नहीं खानी होती तब हर पॉइंट पे आइसक्रीम वाला दिखता है, और अब मुझे खानी है तो कहीं नामो निशान नहीं है आइसक्रीम वाले का। लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ वहीं है कि कोई भी दिखेगी तो मैं खा लूँ फटाफट। इतना वेट करने के बाद हमें कनॉट प्लेस आकर मिली है आइसक्रीम, लेकिन भैया जी नहीं दिख रहे। नहीं आ रहे। अरे भैया जी आ जाओ, बहुत क्रेविंग हो रही। लॉक लगा, चलो किस्मत ही खराब है आज की। तो सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने से पहले आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और आप सभी को पता है कि पहले मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, उसी के बाद आप सबको सजेस्ट करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्लम्स 10% नाइसिनमाइड सीरम विद राइस वाटर। और आपको पता ही है कि राइस हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पहले मैं घर में काफ़ी चीज़ें राइस वाटर से, राइस को बॉयल करके बनाया करती थी, तो प्लम ने हमारी उस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें दिया है प्लम्स का 10% नाइसिनमाइड राइस वाटर सीरम बनाकर। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट है और इसको कैसे यूज़ करना है। एंड गाइस, इस सीरम के अंदर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे वो मिलेगा आपको नाइसिनमाइड विटामिन B3 एंड राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट। नाइसिनमाइड विटामिन B3 अ वाटर सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ विटामिन B3 एंड नाइसिनमाइड आपके सीधा स्पॉट्स को टारगेट करता है, प्लस आपके एक्ने की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। एंड गाइस, उसी के साथ जो राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है ये एक जैपनीज सेक है जो जापान का सोर्स है, एंड दिस सुपरस्टार इंग्रेडिएंट आपका जो मिनिमाइज करता है फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, प्लस आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है। आपकी स्किन पे जो ब्लेमिशेस होते हैं उनको फेड करता है, आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, प्लस ये आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट बनाता है और आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। और अगर आपकी स्किन पर पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको भी ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, और आपको सन डैमेज से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को रिपेयर करता है। एंड गाइज, इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स लेनी है एंड पैट द नियसिनमाइड फेस सीरम इन टू योर स्किन। बेस्ट यूज आफ्टर क्लेंजिंग एंड बिफोर मॉइस्चराइजिंग। एनश्योर द सीरम इज फुली एब्जॉर्ब्ड बिफोर लेयरिंग, कैन बी यूज डे एंड नाइट। एंड गाइज, इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये नो आर्टिफिशियल कलर्स, फ्रेगनेंसेज और एसेंशियल ऑयल एडेड, 100% वीगन है, पैराबिन फ्री है एंड क्रुएल्टी फ्री है एज ऑलवेज। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, और अभी आप देख सकते हो कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसी को अप्लाई किया, तो मेरा फेस आपको इतना थोड़ा अच्छा सा दिख ही रहा होगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी खुश रहती हूँ जब मेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो आता है। अगर आप भी इस सीरम को ऑर्डर करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जल्दी जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए भी इसको ऑर्डर करो। अब पूरी वीडियो को देख लेना, आगे बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ भी स्किप नहीं करना है।
मैं तब से वेट करती आ रही हूँ, लेकिन आइसक्रीम मुझे कनॉट प्लेस आकर दिखी और यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है भैया है। मुझे बहुत गंदी क्रेविंग हो रही है गाइस, हद से ज़्यादा गंदी क्रेविंग। मुझे खानी है आइसक्रीम, तभी मैं चल पाऊँगी, नहीं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा ही हो रहा है, झूठ नहीं बोल रही, आइसक्रीम ऐसा हो रहा है, मिल जाए बस। एक तो मेरे यहाँ पे भी पेन है ना, तो उस वजह से ठंडा खाती हूँ तो सही रहता है। गाइस चांदनी चौक तो पहुंच गए हैं, पार्किंग नहीं मिल रही थी और यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से ही मिलती है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं व्लॉगिंग करूँगी चांदनी चौक में, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है यार, फ़ोन वोन हाथ से ले जाते हैं और मम्मा पहले ही कहती है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, संभाल के चलना। तो अभी हम रिक्शा करेंगे और फिर पहुँचेंगे कैमरा मार्केट, जहाँ पर मिलेंगी स्टूडियो लाइट और कैनवस मिल जाए। अब तभी मैं और साहिल काफ़ी कम्फर्टेबल कपड़े पहन कर आए हैं, बिल्कुल ऐसे। और मुझे आइसक्रीम नहीं मिली यार, चला तो मेरा ही मन कर गया खाने का, है ना। मुझे भी देखते हैं चांदनी चौक में, आपको भी दिखाती हूँ मार्केट जिन्होंने नहीं देखी। तो शना कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस? पैदल चलने के बाद हम लोगों को रिक्शा लेनी ही पड़ी और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंकल जी ने बताया तो कब तक ही पैदल चलते। आवाज़ कम आ सकती है गाइस, वहीं पहुँच कर मिलती हूँ। ये वाली रिक्शा में बैठ के मुझे बहुत दुख होता है, पता नहीं क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आई नो कि कई लोग समझ चुके होंगे मुझे, पर फिर ये भी है कि यार यही वाली कर लिया करो, ये रिक्शा तो इजीली चलते है, कम से कम जो इतनी मेहनत करते हैं उनको देना ज़्यादा सही है। समझ नहीं आता, पर जब ये रिक्शा चलाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जैसे थोड़े बुजुर्ग होते हैं ना उन पर दया आती है। कॉम्पिटिशन, अंकल भी बात कर रहे हैं फ़ोन पर, देखो। वो जहाँ से आप मुझे लाए थे वो कौन सी जगह थी वो आप बता देना, जंगल पार्किंग है जंगल। और आप नहीं समझ सके, जितने लोगों ने लाल किला नहीं देखा ये लोग, सही लाओ आपको लाल किला दिखाऊं। पूरे इंडिया की वारंटी है, रेट और दो साल की वारंटी है। कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सो गाइस हमने ये LA 150 लिया है, अब देखो कि कैसा रिजल्ट आता है इसका। मुझे तो खैर यहाँ पे वो ही ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, इतनी कंफ्यूजन के बाद फाइनली लाइटें ले ली है, एक की जगह दो, दो की जगह तीन ले लिए हम, पता है इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। फिर हमने सोचा 200 का क्या करेंगे, 150 बहुत है, है ना। हाँ ठीक है, फाइनली चांदनी चौक से ले लिया है हमने एग्जिट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वैसे चांदनी चौक काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी खुला खुला लग रहा था, वो वाला भीड़ भड़ाका भी नहीं था, लेकिन बहुत भीड़ भी थी।
और आज मुझे चांदनी चौक में लगा पूरे 1,00,000 का फटका। ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एक स्टूडियो लाइट लेने आई थी जो मैंने ऑनलाइन देखी थी 30,000 rupees की, गोडॉक्स की। तो यहाँ आकर मुझे पता लगा कि मुझे SL 200 चाहिए थी, लेकिन SL से ऊपर आई हुई थी कोई LA 200। फिर हमने LA 200 का प्राइस पूछा, वो और महंगी थी। तो मैंने कहा फिर LA 150 दे दो, वो आपको लगेगा क्या LA SL कर रही है दी। तो मैंने काफ़ी सारी लाइटों के नाम सीख लिए झांझी चौक में आके, और यहाँ पे जो एक ही शॉप है उनसे काफ़ी कुछ हम पहले से लेते आ रहे हैं, तो मेरा ट्रस्ट भी उन्हीं के ऊपर था, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलता वो उनके पास मिल जाता है। एक लाइट लेने आए थे, हमने लाइटें ली 3, ठीक है। दो लाइटें नहीं, स्टैंड अलग से, उसकी सिर्फ लाइट का प्राइस 30,000 था, स्टैंड का प्राइस अलग है, और जो अलग है। हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला छतरी जो इसके आगे लगती है उसको कहते हैं ऑक्टा। तो ऑक्टा जो भी था उसने हमारा बना दिया चौक्टा, क्योंकि हर लाइट के ऑक्टा अलग थे और उनके प्राइस भी अलग थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मुझे कैनवस भी चाहिए जो पीछे लगता है ना शीट, तो उन्होंने कहा कैनवस पुराना हो गया मैम, हम आपको लेटेस्ट चीज दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला एक स्टैंड आता है ये जो बड़ा चीप है, ये आपको पड़ेगा 3,400 ओनली, और एक इससे बेस्ट आता है जो आपको पड़ेगा कुछ 7,000-8,000 का। तो कहता तो मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप क्या मतलब ऐसी सस्ती सी चीज़ ले लोगे, आप ये लो। कहा यार मुझे चलो ठीक है दे दो, तो उन्होंने वो भी दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कैनवस से भी अच्छी तुम्हें शीट देता हूँ। मैंने बोला ठीक है शीट दिखाओ कौन सी है, मतलब शीट नहीं है पेपर, कैनवस मतलब पेपर है वो। तो बोलते वो बहुत ही मतलब ज़्यादातर जो मॉडल्स होती हैं बड़े बड़े शूट्स करती हैं वो इसको यूज़ करती हैं। मैंने कहा ओके, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद उन्होंने बोला अरे मैम जब इस पे खड़े होगे तो गंदा भी हो जाएगा, तो इसके ऊपर आती है एक्रेलिक शीट जिसको आप नीचे बिछाओगे और उसके ऊपर आप खड़े होगे, तो एक्रेलिक शीट अलग से, कितने मीटर वो भी अलग से। भाई मेरा तो ऐसा हो गया आज। उसके बाद फिर साहिल को दिखा एक छोटा सा माइक जो आपके फ़ोन में लगता है, क्योंकि मैं कैमरे से शूट नहीं कर रही हूँ अभी कुछ टाइम से, मतलब मेरा वो ये हैंड पेन होता है, मैं कैमरा मुझे नहीं सूट कर रहा है। खुद से अगर व्लॉगिंग करूँगी तो मैं कैमरे से नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को फ़ोन ही पसंद आता है। तो मैंने सोचा फ़ोन का माइक ले लेती हूँ, गिम्बल ले लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन का जो गिम्बल मेरा है वो बहुत हैवी है। मैं इतनी सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं क्या लेने आई थी और मैं क्या क्या लेकर आ गई हूँ। अभी गाड़ी में कोई सामान नहीं है, उसके लिए अलग से ट्रक ही है, छोटा मिनी ट्रक मिनी टेम्पो आ रहा है, मिनी टेम्पो में सारा सामान आएगा। हम उनको एड्रेस देकर आए हैं, और मतलब इस इतना सामान लेने के बाद अगर मैं फोटो शूट या अच्छी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ इंस्टाग्राम पे तो मुझ पे है लानत। अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो। और गाइस अब हमारे पास सब कुछ हो गया है, कैमरे से लेके लाइट तक और मतलब सब कुछ हो गया। तो जितने लोग भी हैं जिनको फोटो शूट कराना है वो शिल्पा साहिल स्टूडियो आ जाना। हाँ। फ्री में तो नहीं करूंगी, 50% आपसे चार्ज लूंगी, 50% डिस्काउंट। तो ये हम अपना नया स्टूडियो बनाने वाले हैं। बाकी बहुत कुछ लेने का सोचा था, लेकिन इतना सामान मतलब बहुत कुछ चांदनी चौक आकर ये होता है ना, सस्ता सामान मिलेगा, कुछ डेकोर का आइटम ले लूंगी, बट साहिल ने बोला नो, अब कोई डेकोर का आइटम नहीं। 1,00,000 रुपए से ऊपर का बिल बन गया था, 1,00,000 से ऊपर का ही बना। मेरी तो टाइटा है फिश, फिर मैंने ना सोचा अब कुछ खा लेती हूँ, मैकडे जाके सिर्फ कोल्ड कॉफी और एक छोटा सा बर्गर खाया क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे ना। साहिल ने तो बर्गर भी नहीं खाया गाइस, सिर्फ बेचारे ने कोल्ड कॉफी पी। दोबारा पीने का मन हुआ तो अफोर्ड नहीं कर पाए, उसी में आइस क्यूब डलवा के उसको ज्यादा गर्म। यार बहुत महंगा सामान आ गया आज, बहुत चांदनी चौक में मैंने 1,00,000 की शॉपिंग करी है। मेरा टाइटल ये होने वाला है, पहले ही बता दूं आपको मैं, तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा हमारा। पर कोई नहीं, साहिल ने बोला है देखो आप खुश रहनी चाहिए, आपका शूट अच्छा होना चाहिए, पर धकधक ये हो रही है शूट अच्छा नहीं है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मतलब इन फ्यूचर हमें कुछ और या कुछ एक्स्ट्रा लेने की नीड नहीं है, सिर्फ एक लेंस और लेना है। एक लेंस और ले, कैमरा लिया ना तो दो तीन दिन यूज करके बोल रहे साहिल इसमें तो हाथ दुखते हैं मेरे को, व्हाइट वाला वो कौन सा कैमरा बता रहे हो, व्हाइट कलर का आया गाइस छोटा सा, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, पर आप लोगों को भी तो क्वालिटी देनी है ना, आप लोगों को आवाज अच्छी आए, आप लोगों को हम दिखे अच्छा, ये मेरा मेन मोटिव है देखो। तो आप लोग मेरा खर्चा करवा रहे हो, मैं अपना खर्चा नहीं करना चाहती। वैसे तो आप लोगों को मैं फोन में भी अच्छी लगती हूँ, पर आप इमेजिन करो वो इतना अच्छा क्वालिटी देगा ना कैमरा, नाम ही भूल गई मैं, इतना अच्छा कैमरा क्या नाम था, वो दुबई में ही मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा अभी नहीं, बहुत खर्चे हो गए हैं, अब और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। अब जितनी भी ज़ारा से आउटफिट लाई थी एक एक करके पहनूंगी और बैठ के फोटो शूट करूंगी अपना।
देखना है मुझे, मैं भी करूँगा फोटोशूट ना कैसा होता। मैं भी अपनी जैकेट्स में अच्छा अच्छा यार, घर मेरे से ना धूप में बाहर नहीं जाया जाता था, तो ये सोच के मैंने ना सारा सामान ले लिया, नहीं तो पता कितना इजी है आउटडोर जाके एक जगह पे खड़े होना, बहुत इजी है इस पर, वही है इतनी मेहनत बस के लिए भाई। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं घर। मेरा व्लॉग कल आएगा भाई, साहिल का व्लॉग आएगा कल, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। इन्होंने किया है मतलब कल के नहीं आज आएगा, आज ये वाला व्लॉग तो कल डलेगा ना। हाँ आ जाएगा, इसके बाद आएगा, आप सोच लो अभी भी, और आ जाएगा, अभी आएगा गाइस, देख लेना 11 बजे 11:45 अब घर मिलती हूँ जाके आपको, ठीक है? ओके चलो बाय गाइस, बाय क्यों करूँ, आती हूँ अभी घर आके। सो गाइज अभी जस्ट घर आए, और घर आते ही अभी मम्मा पापा के पास जा रहे हैं, और ये प्रसाद था जो पापा को देना है, तो उनके पास जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, आज काफ़ी थक गए हैं, बैक टू बैक मतलब रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आकर बात करूंगी आपसे। तो गाइज बस अभी वूफी और विवेक, काजल घर पे ही रेस्ट कर रहे थे, विवेक अपनी कार से निकल गया काजल को लेकर, और मैं जस्ट अभी जा रही हूँ, बस यार थक गया तो साहिल है ना, बहुत ज़्यादा। और अभी भी हमारा जो सामान है वो जिस ट्रक में आ रहा है ना, वो अभी वहाँ से जस्ट पैक करके निकला है, तो नहीं, उसको पैक कर रहा है, अभी पैक कर रहा है, हाँ। तो उसको अभी टाइम लगेगा, तो हमने सोचा इतना मम्मा पापा के पास चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काजल को कुछ काम है, तो उसका वो काम करवाएंगे, उसके बाद फिर घर वापस आएंगे, और मेरे एक दो पार्सल्स भी आए हैं, वो भी मुझे लेने। हाय वूफू मेरे बेटी, आज तो लुट गए हम, मेरे को बोलना है कि जो हमसे मिलने आए थे उसको लेकर। यार मैं, मुझे नहीं पता कौन आए थे, लेकिन साहिल ने बताया कि घर पे 2 सब्सक्राइबर्स आए थे जिनको मुझसे मिलना था, उनको घर का एड्रेस कैसे पता लगा मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे घर पे ना आया करें, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम कई बार मिल नहीं पाते हैं और आप लोग बहुत वेट करते हो, तो कहीं बाहर कभी मीट एंड ग्रीट करेंगे तब आपसे ज़रूर मिलेंगे, तो अभी आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो। सो गाइस सुबह से इतना वेट करने के बाद मुझे फाइनली आइसक्रीम वाला मिल गया है, और अभी साहिल लेने गए हैं, फाइनली आइसक्रीम खाऊंगी, सुबह से वेट किया है, और अभी टाइम हो गया है 8:32। लाओ ये मुझे दो। सो गाइस अभी एक एक करके सामान आ रहा है, और रात के 9:30 बज गए हैं, अभी सिर्फ इतना ही आ पाया, बाकी और भी भैया ला रहे हैं, और क्या ये दिखाऊंगी, तब इनको मैं ओपन करूंगी तब सब कुछ दिखा दूंगी। मेन ये 2 लाइटें हैं, फिर ये सारे स्टैंड्स हैं वो भी लाइटें हैं, ये ऑक्टा वॉक्टा हैं जो भी हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि आज मुझे बहुत सारा सामान चाहिए था, वो फाइनली मुझे सारा सामान मिल गया है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं ये कह सकूँ कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मेन ये एक जो इतनी लंबी आपको ये दिखाई दे रही है, ये वो कैनवस वाली शीट है जिसको पीछे ऐसे बिछाते हैं और फिर ऐसे आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हो। तो मेरे पास पहले कपड़े वाली थी, अब थोड़ी मैंने अच्छी क्वालिटी की ले ली है बजट बनाकर, बहुत वेट किया मैंने इन सब चीज़ों का। तो अगर आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बजट से बाहर चला गया हिसाब किताब, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस जो चीज़ें आई हैं ये मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊँ, तो मेरा जो खर्चा है वो मेरा यूज़फुल हो जाएगा। और मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।